हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं रही हूँ वॉलीबॉल खेल के इतिहास के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैं इससे पहले फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस आदि गेमों की हिस्ट्री के बारे में बता चुकी हूँ, इन सब वीडियो को आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वॉलीबॉल खेल के इतिहास के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वॉलीबॉल से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। दोस्तों, वॉलीबॉल खेल को मिंटो नेट भी कहा जाता है। चलिए आगे जानते हैं कैसे। वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता अमेरिका है। वॉलीबॉल का जन्म अमेरिका में हुआ और किसने किया? विलियम जी मोर्गन ने 1895 में। वॉलीबॉल का जन्म विलियम जी मोर्गन ने अमेरिका में 1895 में किया और विलियम जी मोर्गन जी YMCA के एथलेटिक निदेशक थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछा जाता है कि वॉलीबॉल का जन्मदाता कौन है? तो विलियम जी मोर्गन अमेरिका के 1895 में इन्होंने वॉलीबॉल का जन्म दिया एंड YMCA के एथलेटिक निदेशक थे, इसलिए YMCA संस्था को भी जाता है इसके निर्माण में, इसका जन्मदाता के रूप में। एंड दोस्तों, इस खेल को सर्वप्रथम मिंटो नेंट के नाम से 1895 में, यानी 1895 में इसका जन्म हुआ और 1895 में सर्वप्रथम इसको मिंटो नेंट के नाम से YMCA के हेलियो के मैसाचुसेट्स में खेला गया। किस नाम से सर्वप्रथम खेला गया वॉलीबॉल को? मिंटो नेंट के नाम से। वॉलीबॉल को सर्वप्रथम किस नाम से खेला गया? मिंटो नेंट के नाम से, मिंटो नेंट के नाम से। एंड ये वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका का। एंड हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है, यानी कि यह हिमाचल प्रदेश में ज्यादा खेला जाता है। यह फुटबॉल के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल है वॉलीबॉल। एंड मिंटो नेंट से वॉलीबॉल नाम रखा गया, मिंटो नेंट सर्वप्रथम इस नाम से खेला गया। एंड वॉलीबॉल नाम कब दिया गया इसका? तो 1896 में इस मिंटोनेंट खेल को वॉलीबॉल नाम दिया गया और इसको किसने दिया था? डॉक्टर एल्फर्ड टी हॉल स्टीड ने मिंटोनेंट का से नाम बदलकर वॉलीबॉल रखा। एंड भारत में 1922 में यह खेल आया और YMCA का श्रेय जाता है। भारत में वॉलीबॉल खेल को शुरू करने का श्रेय जो है वो YMCA को जाता है। एंड विश्व की प्रथम प्रतियोगिता वॉलीबॉल की 1922 में न्यूयॉर्क में हुआ। YMCA ने ही विलियम जी मोर्गन के निर्देशन में इस विश्व की प्रथम प्रतियोगिता का आयोजन किया। एंड 1922 में ही वॉलीबॉल के नियम बने, जो YMCA ने कुछ नियम बनाए। एंड भारत की प्रथम प्रतियोगिता 1936 लाहौर में IOA ने पहली बार इंटर स्टेट चैंपियनशिप कराई। एंड विश्व वॉलीबॉल संघ FIVB, विश्व वॉलीबॉल संघ FIVB यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल की स्थापना 1947 में हुआ। एंड वर्तमान मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड और वर्तमान अध्यक्ष एरिक ग्रेस ब्राजील के हैं। एंड सी यानी एशियन वॉलीबॉल कन्फेडरेशन की स्थापना 1952 में हुआ। इसका मुख्यालय ब्राजील चीन है, बीजिंग चीन है। एंड अध्यक्ष सेलेश ए बिन नसर हैं, सऊदी अरब के। एंड भारतीय वॉलीबॉल संघ VFI यानी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, वर्तमान अध्यक्ष अच्युता सामंता है। ए भारतीय वॉलीबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष अच्युता सामंता जी 2020 से 2024 तक रहेंगे। एंड
दोस्तों यहाँ पे ये हुआ कि विश्व वॉलीबॉल संघ 1947 में, एशियन वॉलीबॉल कन्फेडरेशन 1952 में, एंड भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में हुआ। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक में वॉलीबॉल को शामिल किया गया 1964 टोक्यो जापान में, एंड एशियाई खेलों में शामिल किया गया 1958 टोक्यो जापान में। यानी कि ओलंपिक में भी 1964 टोक्यो जापान में, एशियाई खेल में भी 1958 टोक्यो जापान में, यानी 64-58 दोनों टोक्यो जापान में शामिल किया गया। एंड प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता पुरुष की वॉलीबॉल की हुई, वॉलीबॉल की प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता पुरुष का 1949 में पैरागुए चेकोस्लोवाकिया में आयोजित हुआ, जिसमें रशिया प्रथम स्थान पर आया था। एंड प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता महिला का 1952 मॉस्को रूस में आयोजित किया गया। तो प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता पुरुष का 1949 में आयोजित किया गया, एंड महिला का 1952 में। नेक्स्ट है, पैन अमेरिका खेलों में शामिल किया गया इसको 1945 में, वॉलीबॉल को। एंड नेक्स्ट है, 1955 में टोक्यो में आयोजित वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने स्वर्ण पदक किस कब जीता था? 1955 में टोक्यो में आयोजित हुआ था वॉलीबॉल चैंपियनशिप, उसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। एंड नेक्स्ट है, वॉलीबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको मिला? तो ए पलानी स्वामी को 1961 में मिला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अर्जुन पुरस्कार की कब से दिया जाता है, तो 1961 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को। अब प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला? तो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका ए रमन्ना राव 1990 में मिला, ए रमन्ना राव को। नेक्स्ट है दोस्तों, अन्य टॉपिक में, जैसे कि 1900 ईस्वी में वॉलीबॉल 21 पॉइंट का होता था, जबकि वर्तमान समय में वॉलीबॉल जो है 25 पॉइंट का होता है और 5 सेट का होता है। जो टीम पहले इतना अंक बना लेती है वो विजेता होता है, यानी कि 4 सेट 25 अंक का होता है, 5वां सेट 15 अंक का होता है। और नेट की ऊंचाई 1900 में 2.13 मीटर था, बट अब नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए 2.43 मीटर एंड महिलाओं के लिए 2.24 मीटर है। एंड 1912 में कोर्ट की लंबाई 18.28 मीटर था, जबकि वर्तमान में वॉलीबॉल कोर्ट की चौड़ाई 18 मीटर है। एंड चौड़ाई 1912 में 10.66 मीटर था, जबकि वर्तमान में 9 मीटर चौड़ाई है। एंड नेट की चौड़ाई 1912 में 0.91 मीटर, जो कि वर्तमान समय में नेट की चौड़ाई जो है 1 मीटर है। 1917 में नेट की ऊंचाई 2.44 मीटर था, बट वर्तमान में 2.43 मीटर है। 1918 में यह खेल 15 पॉइंट का होने लगा और खिलाड़ियों की संख्या 6 होती थी। एंड वर्तमान में यह खेल 5 सेट में होता है, 4 सेट 25 अंक का और 5वां सेट 15 अंक का। यानी कि पहले 3 सेटों के मध्य 2 मिनट का अवकाश दिया जाता है, चौथे और पांचवें सेटों के मध्य 5 मिनट का अवकाश। विजयी के लिए 2 अंक का अंतर होता है, यानी किसी टीम के 3 सेट जीतने पर मैच नहीं, वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर कोई 3 सेट लगातार जीत लिया तो मैच वहीं पे समाप्त हो जाता है। बराबर होने पर 5वां सेट 15 अंक का, 5वां भी अगर टाई है तो मैच तब तक चलता रहेगा जब तक 2 का अंतर नहीं हो जाएगा।
एंड 1921 में सेंटर लाइन की शुरुआत हुआ एंड 1922 में एक टीम का अपने कोर्ट में बाल को 3 बार छू सकने का नियम बना। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अपने कोर्ट में बाल को 3 बार छू सकने का नियम कब बना, तो 1922 में। तो दोस्तों ये था वॉलीबॉल की हिस्ट्री के बारे में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वॉलीबॉल की हिस्ट्री से इस जितना भी मैंने बताया इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए एंड वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों अन्य टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।